गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 8 हम बनाने जा रहे हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको, जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लास्ट लेक्चर अपना कंप्लीट करे, क्योंकि मैंने उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टार्ट किया था। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि भाई डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज से अपन जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज से अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हम मास वॉल्यूम परसेंटेज से कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। ये चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको 11th में तो काम आएंगी आएंगी, 11th में तो आपके कोर्स में है, लेकिन इन द 12th क्लास दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप 12th क्लास के केमिकल काइनेटिक्स, 12th क्लास का सॉल्यूशन, 12th क्लास का आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और भी 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं वो इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है। इसलिए आप इनको बिल्कुल लाइटली ना लें, बहुत अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें और बहुत अच्छे तरीके से इनको सीखें। क्योंकि अगर मान लो 11th क्लास में आपकी केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक रह जाती है तो उसका पूरा इफेक्ट आपको 12th क्लास में दिखेगा। और केमिस्ट्री का जो अपना टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ये अभी फर्स्ट टॉपिक है, तो इसलिए बहुत आराम से इसको सीखें, बहुत अच्छे तरह सीखें। आने वाले 2-3 लेक्चर के बाद अपन नया अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, लेकिन उससे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, वी बाई वी और डब्ल्यू बाई वी को पढ़ लिया था। क्लियर? अब अपन बात करते हैं अपना फोर्थ जो टॉपिक है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का एक मेथड और है, उसको अपन बोलते हैं पीपीएम। इस पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होती है बच्चों? पार्ट्स पर मिलियन। अब ये पार्ट्स पर मिलियन जो है वो क्या होता है? ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, पीपीएम का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब आप हमेशा परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते थे 100 से, लेकिन आपको यहां पर 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है 10 की पावर 6 से। दिस इज कॉल्ड पीपीएम, यानी कि पीपीएम में आपको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन के 1 लाख हिस्से करके अब उसमें से क्या निकालेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करेंगे। जैसे उसमें 100 में से करते थे, इसमें 10 की पावर 6 में होगा, यानी कि पीपीएम का मतलब क्या हो जाएगा, पीपीएम का मतलब हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि डब्ल्यू बी। मैं लास्ट लेक्चर से बी को सॉल्यूट ले रहा हूं, ए को सॉल्वेंट ले रहा हूं, और नीचे हो जाएगा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 10 टू द पावर 6। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? तो मैं एक क्वेश्चन यहां पर ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पीपीएम के क्वेश्चन जो है वो उनमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेरा कि 0.2 ग्राम फ्लोराइड। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 0.2 ग्राम फ्लोराइड, ठीक है, इज प्रेजेंट इन 500 ग्राम टूथपेस्ट। तो पूरा टूथपेस्ट मतलब पूरा सॉल्यूशन है, यानी कि आपको डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम। यही तो बात है, पहचानना इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा टूथपेस्ट। बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्वेंट मान लेते हैं, लेकिन नहीं, क्या है ये पूरा टूथपेस्ट है, उसमें फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड यानी कि क्या है, सॉल्यूट है, वो कम होगा 0.2 ग्राम। क्लियर बच्चों? तो यहां पर अपन को जब इसको पीपीएम इसका कैलकुलेट करना है, पीपीएम में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो अपन ऊपर रखेंगे 0.2, नीचे रखेंगे 500 और इधर रखेंगे 10 की पावर 6। क्लियर? और इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आप कैलकुलेट करिएगा इसको, इसका 400 पीपीएम आंसर आएगा, और पीपीएम लिखेंगे आंसर में। क्लियर? 400 पीपीएम। तो इस तरीके से अपन जो है आपको सॉल्वेंट दे रखा होगा या फिर पूरा सॉल्यूशन दे रखा होगा और आपको सॉल्यूट दे रखा होगा, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जैसे डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज निकाला करते थे
उसमें अपन परसेंटेज निकालते थे यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 100 करते थे, पीपीएम के लिए आपको मिलियन में कैलकुलेट करना है। क्लियर है? बहुत आसान है, बहुत अच्छा मेथड है। आपको बहुत सारी चीजें पीपीएम में दे रखी होंगी तो आप समझ जाना। जैसे मान लो कभी भी आपको किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पीपीएम में गिवन हो, आपको मान लो कोई भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में गिवन है, तो आप समझ जाएंगे ना कि पीपीएम का मतलब क्या है, कि इसको 10^6 में से कैलकुलेट करके निकाला गया है। क्लियर? चलिए पीपीएम के बाद अपन अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलेंगे फिफ्थ टॉपिक है अपना, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। देखो मोल निकालना आप सीख ही गए हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूं मोल क्या होता है। मोल किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट होता है जिसमें 6.02 × 10^23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और मोल जो होता है उसका जो वजन होता है वो ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है। यानी कि जैसे H2O का जो एक मोल है उसका 18 ग्राम वेट हो, सबको पता है आपको, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से और डिटेल में पढ़ाई हुई है, बहुत सारी न्यूमेरिकल्स भी आपको करने के लिए दिए हैं और मैंने वीडियो के अंदर करवाए भी हैं। क्लियर? इसके बाद अपना मोल फ्रैक्शन अपन बात करेंगे। फ्रैक्शन मींस होता है टुकड़े। अच्छा, मोल निकालने का एक तरीका आपको पता होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? ये आपको याद होना चाहिए मोल का फॉर्मूला, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मोल फ्रैक्शन। तो अगला अपना टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। क्लियर? अब फ्रैक्शन का मींस हो गया टुकड़े, यानी कि मोल के टुकड़े। अब जैसे मान लो कोई भी एक सॉल्यूशन है, अब सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है बच्चों सॉल्वेंट। ठीक है? एक होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है सॉल्वेंट होता है। क्लियर है? तो जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट को मैंने बी माना हुआ है और सॉल्वेंट को मैंने ए माना हुआ है। क्लियर है? सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है और सॉल्यूट दो या तीन भी हो सकते हैं। जैसे आपने पानी लिया, पानी में आपने नींबू मिला दिया, नींबू सॉल्यूट है। पानी में उसी में आपने नमक मिला दिया, नमक भी सॉल्यूट है। चीनी मिला दी, सिकंजी बन गई। ठीक है? तो वो क्या है, वो भी सॉल्यूट है, लेकिन पानी क्या है, सॉल्वेंट है। यानी कि मान लो कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसमें एक तो सॉल्यूट सॉल्वेंट है ए, बाकी का बी सॉल्यूट है, सी सॉल्यूट है और डी भी सॉल्यूट है। क्लियर? तो अब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, देखिए। जैसे आप, अच्छा, मोल फ्रैक्शन को अपन डिनोट करते हैं एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। तो देखिए मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको नोट्स में मिली गई है, तो अपन निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि ए के मोल फ्रैक्शन। तो ए के मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। क्या होता है? मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। क्लियर? आप नोट कर लें इन चीजों को। मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकाला जाएगा तो मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ डी अपॉन टोटल मोल्स। इस तरीके से अपन जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय सॉरी क्या करेंगे, टोटल मोल्स से उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अब जैसे देखिए कि मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो क्या लिखूंगा, एन ए, यानी कि ए के मोल और नीचे ए के मोल और बी के मोल, यही होगा। मोल्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के मोल अपॉन ए के मोल प्लस बी के मोल। इस तरीके से अपन मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों के छोटे से एग्जांपल से आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं, क्या, कि आप इन दोनों को ऐड करिए। एक्स ए प्लस एक्स बी को मैंने ऐड किया तो क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? नीचे क्या आया, एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? एलसीएम में आया तो ऊपर क्या बचा, ओनली एन ए प्लस एन बी। क्लियर? आंसर क्या आया, वन। मतलब कि अगर मान लो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ए बी सी डी ई पांच सब्सटेंस है,
तो पांचों सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, वन होता है। यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी प्लस एक्स ई, और इसके अलावा भी कुछ और होता तो उन सबका सम कितना होता, वन होता। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है। ओके, तो देखिए मोल फ्रैक्शन का जो मैं आपको फॉर्मूला बताना चाह रहा हूं वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी का बहुत सारी बुकों में इस फॉर्मूले को और मॉडिफाइड करके कैसे दिया हुआ था वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर, मैंने आपको क्या बताया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ये मैं आपको कराऊंगा, आपको केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, क्लियर है? उसके ऊपर मोल और नीचे टोटल मोल, ये रखिए आप यार, ठीक है? बाकी का अब इसको और मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं देखिए कैसे। एन ए, ए के मोल का मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वेट डब्ल्यू को मैं गिवन बोल देता हूं और मॉलिक्यूलर मास को मैं एम बोल देता हूं, क्लियर है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एन बी क्या होगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो एक्स ए बराबर ऊपर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और नीचे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इस तरीके से भी बहुत सारी बुकों में इस फॉर्मूले को लिख रखा होता है, बाकी का आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा जो है क्या कहते हैं कि आप केवल ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, और वो क्वेश्चन है कि अ मिक्सचर हैज बीन मेड बाय, एक मिक्सचर है, मैं सीधा लिख देता हूं क्वेश्चन को, अ मिक्सचर हैज बीन मेड बाय 36 ग्राम, अब देखिए पूरा जो भी आपने अब तक पढ़ा है वो सब कुछ यूज होगा इसमें, वॉटर 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल 10th क्लास में पढ़ा था, एंड 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल, ये सारी चीजें आपने लेनी है। तो हर सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, क्लियर है? पहले तो आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं वाटर का लिख देता हूं, वाटर के बारे में आपको देखो, आपका वाटर का जो W है, मैं वाटर को A मान लेता हूं, उसको B मान लेता हूं, उसको C मान लेता हूं, क्लियर है? तो वाटर में मतलब W A आपको दिया हुआ है 36 ग्राम, क्लियर? और मॉलिकुलर मास जो है इसका, क्योंकि मोल निकालने पड़ेंगे ना आपको, सबसे पहले वाटर के मोल निकालने पड़ेंगे, तो इसका मॉलिकुलर मास आपको पता है, सबको पता है 18 ग्राम होता है, क्लियर? ओके, उसके बाद आपको दिया हुआ है इथाइल एल्कोहल, यानी कि बी के बारे में बात करूंगा मैं, तो बी का जो डब्ल्यू बी है वो आपको 46 ग्राम दिया हुआ है, क्लियर? अब आपको क्या करना है, इसका मॉलिकुलर मास निकालना है, तो इसका जो मॉलिकुलर मास होगा देखो, सबसे पहले फॉर्मूला आपको बता दूंगा, सी एच क्या है अपना, एथिल एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल होता है सी टू एच फाइव ओ एच, क्लियर? तो सी टू एच फाइव ओ एच जो है एथेनॉल जिसको बोलते हैं अपन, इसको एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं, तो निकाल लेते हैं 12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 40 और ये 46। तो इसका भी जो मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास जो है इसका वो भी कितना हो गया, 46 ग्राम हो गया। उसके बाद C वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं, WC, WC जो है वो है आपको दे रखा है 32 ग्राम, इसको भी चेक कर लेते हैं, मेथिल एल्कोहल होता है CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल होता है, बाकी का अपन IUPAC पढ़ेंगे जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी ये चीजें, 12 इंटू 3 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1, 12 प्लस 3 प्लस 17, तो 17 और 3 20 और ये आपका 32 ग्राम, तो सेम ही दे रखा है आपको 32 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सी कितना आ गया, 32 ग्राम। तो आपने सबके गिवन मास ले लिए, गिवन मास आपको दिए हुए थे, सबका आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, अब इनके मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए क्या होगा, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना 36, मॉलिक्यूलर मास कितना 18, तो कितने मोल हो गए इसके, वाटर के यहां पर 2 मोल्स आपको गिवन है। अब देखो सारी चीजें जब तक आप पुराने लेक्चर्स को नहीं पढ़ोगे तब तक ये चीजें नहीं आएंगी ना, तो कितनी सारी चीजें आपको आने लगे केमिस्ट्री के अंदर, मोल्स आप निकाल रहे हैं बहुत आसानी से,
बी। बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 46 है तो इसका 1 मोल हो गया, और मोल्स ऑफ सी निकालने के लिए 32/32 इसका भी आपका 1 मोल गिवन हो गया। अब आपको निकालना है इनका मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए ए के मोल अपॉन टोटल मोल कितने हैं, 2, 3, 4, तो इसका मोल फ्रैक्शन आ गया 1/2 यानी कि 0.5। मतलब इसके मोल जो है वो टोटल जितने मोल है उनमें से केवल इसके मोल का जो हिस्सा है जो टुकड़ा है वो केवल 0.5 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी देखो इसका 1 है और नीचे 4 है तो ये हो जाएगा 0.25, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी भी कितना हो जाएगा 1/4 0.25। वेरीफाई करना है आपको, आप एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी लिख लीजिए वो आपका 1 आएगा। देख लीजिए आप आराम से 0.25 और 0.25 कितने हो गए 0.5, और 0.5 और 0.5 कितने हो गए 1। क्लियर, तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो भाई क्वेश्चन है यहां पर एम्स 2006 का क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को यहां पर केवल इसलिए आपको नहीं करवा रहा हूं क्योंकि मैं मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूं, मैं आपको इस क्वेश्चन को मेरा करवाने का सीधा सीधा सा जो मोटिव है वो केवल इतना सा है कि आप कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस में लॉजिक लगाना सीखें कि देखिए कहां तक एक कंपटीशन एग्जाम्स का एक क्वेश्चन जो है वो कितने लेवल तक उठ सकता है। क्लियर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथिल अल्कोहल इन 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ मेथिल अल्कोहल, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथिल अल्कोहल इन 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ मेथिल अल्कोहल। तो अब आपको इसमें ना तो कोई वेट दिया हुआ ना कुछ दिया हुआ, तो अब आपको इसमें क्या पहचानना है, आप इसको लीजिए क्योंकि आपको दिया क्या हुआ 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ मेथिल अल्कोहल। तो मैंने आपको क्या बोला कि पानी में अगर आपने नमक मिला दिया तो वो सॉल्यूशन किसका कहा जाएगा, नमक का सॉल्यूशन कहा जाएगा, जबकि नमक क्या है, सॉल्यूट है, कोई भी सॉल्यूशन उसके सॉल्यूट के नाम से जाना जाता है, तो इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या है, मेथिल अल्कोहल है। क्लियर, सॉल्यूट अगर मेथिल अल्कोहल है और सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो जब भी आपसे सॉल्यूशन की बात करें तो आप समझ जाइए आपको जब सॉल्वेंट के बारे में कुछ नहीं दे रखा हो, सॉल्यूट के बारे में जानकारी क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो सॉल्वेंट लिया जाता है वाटर, क्या लिया जाता है वाटर, तो यहां पर जो सॉल्यूट है वो मेथिल अल्कोहल है और सॉल्वेंट जो है वो क्या है वाटर है। और फिर W/W परसेंटेज की बात की गई थी, लॉजिक लगाइए क्वेश्चन को समझिए, W/W परसेंटेज का मतलब है 100 पे बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें से 20% तो क्या है मेथिल अल्कोहल है, तो 80% क्या बचा फिर वाटर बचा, यानी कि अपन बात करेंगे कि इसमें WB यानी कि WB का मतलब सॉल्यूट यानी कि मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल का वजन दिया हुआ है मान लो 20 ग्राम, तो W/W है ना 100 ग्राम में, ग्राम में बात करेंगे। क्लियर, और जो सॉल्यूट है यानी कि जो वाटर है, मैं आपको सीधा लिख देता हूं ऐसा लिखो, मेथिल अल्कोहल आप जानते हो क्या होता है CH3OH, तो अपन सीधा लिखते हैं कि भाई यहां पर वेट ऑफ CH3OH दिया हुआ है 20 ग्राम और यहां पर वेट ऑफ वाटर जो है वो कितना है 80 ग्राम, समझ गए आप, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो उसमें से 20 ग्राम 20% है तो मतलब मानेंगे क्या कि भाई 20 ग्राम मेथिल अल्कोहल है, बाकी का 80 ग्राम क्या बचा फिर वाटर बचा। तो मोल निकालेंगे, मोल ऑफ CH3OH, मोल फ्रैक्शन निकालना ना अपन को, तो मोल क्या होंगे इसके, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अभी अपन ने निकाला था इसका कितना आया था 32 आया था, ये लास्ट क्वेश्चन में निकाला है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यहां पे तो ये सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका 0.625। क्लियर, उसके बाद इसके वेट इसका निकाल लेते हैं मोल ऑफ वाटर, तो गिवन मास 18 और मॉलिक्यूलर मास 18, तो 80/18 जब अपन करेंगे तो ये आपका आएगा 4.444। क्लियर, आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं किसके, मेथिल अल्कोहल के, समझना क्वेश्चन को, यहां से क्वेश्चन ने थोड़ा सा, भाई एम्स का क्वेश्चन है ऐसे तो होगा नहीं ना, थोड़ा सा तो आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तो वह एफर्ट्स क्या लगाया, 20% W/W का मतलब क्या हो गया, 20% W/W का मतलब हो गया कि 20 ग्राम तो मेथिल अल्कोहल है, W/W की बात कर रहे हैं, 20 ग्राम तो मेथिल अल्कोहल है 100 ग्राम सॉल्यूशन में,
कैसे बताएंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम मेथिल अल्कोहल है, तो कितना बचा वाटर, 80 ग्राम बचा वाटर, क्लियर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, तो ऊपर इसके मोल आ गए 0.625 और नीचे टोटल मोल 0.625 प्लस 4.444, क्लियर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और इन चारों में से एक आंसर है, उस आंसर को आप निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने पर ढंग से सॉल्व करिएगा, इसमें से एक आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन जो है मोल फ्रैक्शन का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है एम्स 2002 में आया हुआ। आप देखिए ये क्वेश्चन देखने से जो है ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं होगा या नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे तो इस क्वेश्चन को जो है इस रिएक्शन को देख के छोड़ देंगे, सर हमसे तो नहीं होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का मैं बात करूं कि कितने मिनट का क्वेश्चन है, तो मैं बोलूंगा सर ये एक पूरे एक मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, ये क्वेश्चन ओनली 15 सेकंड के अंदर हो जाएगा, बिना चौक बिना पेन बिना मार्कर बिना सब कुछ उठाए। कैसे, देखिए द मोल फ्रैक्शन, बस क्वेश्चन को समझने वाली बात, मैं आपसे कहता हूं कि हर बार जो है क्वेश्चन जो आएगा वो वही आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है, बस डिपेंड इस बात पे करता है कि आपने कितनी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ा हुआ है और एग्जाम हॉल के अंदर आप इस क्वेश्चन को कितनी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हो और कितनी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हो, इस बात पे सब कुछ डिपेंड करता है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 एंड O2 इन इक्विलिब्रियम, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 इज 0.4 एंड 0.3, यानी कि आपको SO3 के मोल दे रखे हैं 0.4 और आपको O2 के मोल दे रखे हैं आपको 0.3। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2, तो इस SO2 के निकालने हैं। देखिए यहां पर एक चीज आपको जरूर सिखाना चाहूंगा मैं कि आपके सामने क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम नाम की जो चीज है ये 11th क्लास में केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, उसमें आएगा, बट लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आज क्वेश्चन में हमका यूज हो रहा है तो मैं सिखा देता हूं आपको क्या होता है। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जब ये दो एरो लगे हुए होते हैं ना, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो इक्विलिब्रियम पे आने के बाद रुक जाती है। मतलब क्या होता है, उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगता है, धीरे 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 रिएक्टेंट कम होता है। जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होगा और इतने प्रोडक्ट बनेगा, और जब इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है जब वो सेम हो जाएगी तो वहीं पे जो है रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो अब आपके पास जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में ये सारी चीजें हैं, क्लियर है। तो उसमें से इसके जो मोल है वो इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.4 है, इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.3 है। तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा यार, आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन सबके मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 होता है। तो ये 0.4 प्लस 0.3 कितना हुआ 0.7, और अब 1 में से जब 0.7 को माइनस करोगे तो आंसर इज ए 0.3। कितना जल्दी कर दिया अपन ने क्वेश्चन, देखिए मतलब आपको वो वाली चीज याद होनी चाहिए कौन सी, कि भाई सारे मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो कितना होता है, 1 होता है। आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि हाँ अगर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो एक बात अलग होती, वो क्वेश्चन बाद में करेंगे अपन। मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 आपको निकालना है प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आपको 0.3 दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 आपको 0.4 दे रखा है, ये 1 हो गया। XSO2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3 प्लस 0.4, यानी कि 1 माइनस 0.7, वैसे ही कर रहा हूं वैसे तो आप कर ही लोगे इसको, 0.7 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए टिक हो जाएगा। तो 2002 में अगर आपने एम्स में दिया, एम्स का एग्जाम दिया होता तो आई थिंक आप आज डॉक्टर होते एम्स के अंदर। चलिए कोई बात नहीं, आप इस क्वेश्चन को करिए, आपके डॉक्टर बनने का सपना आपका ज्यादा दूर है नहीं, क्योंकि आने वाले 2 साल के बाद आप एग्जाम जरूर दोगे, ठीक है, और आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ते हो तो, ठीक है। तब तक के लिए इस मोल फ्रैक्शन की वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको करिए, लास्ट लेक्चर्स का प्रीवियस लेक्चर जितने बने उनका रिवीजन करिए। थैंक यू।